नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, एक वैकेंसी निकल के आ चुकी है आईटी वाले छात्रों के लिए। ये डियर अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर जो बीएचएल आप लोग जानते होंगे, भील डिपार्टमेंट है हरिद्वार में, तो यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आईटी वाले छात्रों को जो है मौका दिया जा रहा है अप्रेंटिसशिप करने का। अगर आपने आईटी की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है किन किन छात्रों के लिए निकाली गई है, अब वो मैं बताऊंगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन कौन सी ट्रेड है, जैसे फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कारपेंटर, फाउंड्री मैन। तो ये कुछ ट्रेड हैं जिनको मौका दिया गया है, ठीक है जी। और लगभग 170 पद हैं इस भर्ती में जो आप लोग इसके अप्लाई कर सकते हो। अब ध्यान रखना, इसमें जो योग्यता मांगी गई है प्यारे साथी, उन्होंने कहा है कि 10वीं होना चाहिए छात्र के पास, प्लस आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। आईटीआई कहाँ से होना चाहिए? आईटीआई देखो, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का छोड़कर अगर आपके पास एनसीबीटी नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास एनसीबीटी से आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है जी। एनसीबीटी से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, ये इन्होंने मांगा है। प्लस इसी के साथ आपके ओबीसी में और आपका अगर जनरल कैटेगरी के हो आप, तो आपके यहाँ पर 65% नंबर होने चाहिए, किस में? 10वीं में, ठीक है जी। अगर ओबीसी और जनरल के हो तो 10वीं में जो है आपके यहाँ पर 65% नंबर होने चाहिए, और एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके 60% नंबर होने अनिवार्य हैं 10वीं में। नीचे की जो योग्यता लिखी है, उन्होंने कहा है कि वेल्डर ट्रेड वाले, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड वाले, अगर आप एससीबीटी से भी हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस कंडीशन दोनों में एक रखी गई है कि आपने 2020 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में आईटीआई पास की होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि आपका जो एडमिशन है, अगर आपका एडमिशन 2018 में हुआ था और आपकी जो आईटीआई कंप्लीट हुई है 2020 में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो 2017 के एडमिशन हैं, 2016 के एडमिशन हैं, 2015 के एडमिशन हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। आपका जो पास आउट ईयर है वो 2020 होना चाहिए, आपने 2020 में पास की होनी चाहिए आईटीआई, तब जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है प्यारे साथियों, वो है यहाँ पर आयु सीमा। तो देखो, कम से कम जो आयु सीमा रखी है 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 27 वर्ष है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है इन्होंने अलग अलग जाति को यहाँ पर छूट भी दी गई है, स्क्रीन पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिव्यांग को इतना कितना आरक्षित मिलेगा वो सब दे रखा है। उसके बाद आरक्षण की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, अगर आप उत्तराखंड स्टेट से हो, अगर आप उत्तराखंड से हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। ज़्यादा से मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में अप्लाई, देखो भर सभी स्टेट के छात्र सकते हैं, है ना, आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जो पहली प्राथमिकता मिलेगी वो उत्तराखंड वाले बच्चों को मिलेगी, ठीक है जी। चलिए अगला जो आता है यहाँ पर, जो फॉर्म का मैं आवेदन प्रक्रिया बता देता हूँ। सबसे पहले चयन प्रक्रिया देख लो, इसका जो चयन प्रक्रिया होगा वो मेरिट के हिसाब से नहीं होगा, इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर आपको जो है भर्ती होगी। आपको यहाँ पर पेपर आएगा, आपका पेपर आपको देना पड़ेगा। जब आपका पेपर आएगा उसके बाद आपका रिजल्ट बनेगा, तब जाकर आपका नंबर आएगा इसमें, ठीक है जी। एक साल की आपकी अप्रेंटिसशिप रहेगी, एक साल के बाद फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप का। और उसके बाद अप्लाई देखो कैसे करना है यहाँ पर प्यारे साथियों, अप्लाई करने के लिए दो प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। नंबर वन, जो पहला चरण है, आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है जी। आपको आवेदन पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इनकी जो ऑफिशियल साइट है जो बीएचएल वालों की, उस पर जाकर के आपको फिर जो है अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर दिए हैं मेरी टीम के ही, हमारी जो टीम है वो आपका इसमें फॉर्म अप्लाई कर देंगी। फीस कितनी लगेगी वो सब आपको बता देंगे, ठीक है जी। दो नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और उन पर कॉल करके आप हमारी टीम से भी इस फॉर्म को भरवा सकते हो। लेकिन कंडीशन, अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है प्यारे साथियों, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन होने वाला है, आपको इसका जो प्रिंट आउट है निकलवा करके आपको यहाँ पर जो है इस एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पर चलो ये जो इतना स्टेप टू दे दिया कि यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, नीचे इन्होंने ये दे रखा है, ये देखो यहाँ पर ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको जो है यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये आपको भेजना होगा। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि दो चरण में आपको करना पड़ेगा। जो पहला चरण है आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट करना पड़ेगा, इसको सर्च करना है आपको यहाँ पर बीएचएल, ठीक है जी। यानी कि दो प्रकार से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बीएच जब आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको ये बीएचएल एल्टीट्यूड ये आपको सर्च करके वहाँ पर अप्लाई करना है।
दूसरी जो चरण होगा दूसरी बार, फिर उसके बाद आपको कहाँ पर आना है, इनकी ऑफिशियल साइट पर आना है। दूसरे चरण में जो इनकी ऑफिशियल साइट है BHL की, उस पर आकर के फिर आपको इसमें अप्लाई करना है। यानी कि दो तरह से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, स्टेप वन स्टेप टू, दो चरणों में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है जी। और दोनों ही चरण करने अनिवार्य हैं। तो ये जो फॉर्म है आप हमारे जो है टीम से अप्लाई करवा सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। और जैसे ही आपका जो कंप्लीट प्रिंट आउट होगा, इस प्रिंट आउट को आपको निकलवा लेना, प्रिंटर के जरिए निकलवा लेना, जो मेरी टीम आपको जो भेजेगी प्रिंट आउट की, भाई ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, उसको आपको PDF के फॉर्म में वो देंगे, उसको आपको क्या काम करना है, इस एड्रेस पर भेज देना है, ठीक है। इस एड्रेस पर आपको जो है सेंड कर देना है। कब से कब तक सेंड कर सकते हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो नीचे की साइड लिखा हुआ होगा, देखो पूरा डिटेल में लिखा है कितना कितना यहाँ पर जो है फोटो लगेगा, क्या क्या, देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ही क्या लगने वाला है, हाई स्कूल की आपकी जो है मार्कशीट लगेगी, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, 10 ITI का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र है ना, और अगर आप उत्तराखंड से हो तो आप मूल निवास प्रमाण पत्र अपना लगा सकते हो ताकि आपको छूट मिल जाए। आवेदन करने के लिए पहले साथी होना है, आवेदन पश्चात अभ्यर्थियों को निम्न दस्तावेज स्वामी जो छाया प्रति जो है के साथ संलग्न करके 21/6/2023 तक डाक द्वारा यहाँ पर भेज देना है आपको। फॉर्म तो इसके स्टार्ट हो चुके हैं पहले साथी, तो 21 तारीख तक आपको डाक द्वारा तक ये भेज देना है, ठीक है जी। यानी कि फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आज 1 तारीख है, और तो आपको क्या काम करना है, इसको जो फॉर्म को है आपको भर करके प्रिंट आउट निकलवा करके आपको यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एड्रेस बताया, पीछे स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसी हालांकि नोटिस जो है मैं टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, यहां पर भी मैं शेयर कर दूंगा। नहीं तो मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है हमारी, उस पर जाकर के भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। तो ये चीज़ है आपका जो है यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो हमारी टीम से आप एक बार बात करके कंफर्म कर लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे और क्या क्या आपको वहाँ पर भेजना है, ठीक है। वो हमारी सब टीम आपको बता देगी। तो दो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, क्लिक करके आप उनसे कॉन्टैक्ट करके इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। तो यही चीज़ें थी इसमें। देखो यहाँ पर पूरा दे दिया महत्वपूर्ण जो तिथि दी गई है, 29 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो है यहाँ पर 12 अंतिम तिथि, यानी कि 12 तारीख तक आप इसमें केवल आवेदन कर सकते हो, और 21 तारीख तक, मैंने जैसे कि मैं आपको बताया कि 21 तारीख तक आप जो है इस फॉर्म को भेजना पड़ेगा आपको। यानी कि 12 तारीख तक आपको जो है अप्लाई तो कर लेना है, लेकिन 21 तारीख तक जो है आपका जो है फॉर्म जो है हरिद्वार पहुंच जाना चाहिए, ठीक है जी। उससे पहले भी पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छी, अगर आप नहीं डाक द्वारा भेज सकते, ऐसा नहीं कि आप डाक के द्वारा भेजना है, अगर आप नज़दीक हो हरिद्वार के तो आप स्वयं जाकर के भी इस फॉर्म को यहां पर जमा करवा सकते हो। कौन से एड्रेस पर, इस एड्रेस पर, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डाक के द्वारा भेजना है, अगर आप जाना खुद जाना चाहते हो हरिद्वार में तो हरिद्वार में जाओ और इस एड्रेस पे जाकर के आप जो है इसको फॉर्म को जमा करवा कर करवा सकते हो। जैसे इसकी एग्जाम की डेट आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है जी, टेलीग्राम के माध्यम से भी और हमारी वेबसाइट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ फिर ये मैंने कुछ आपको डिटेल्स बताई हैं। तो इन ट्रेड के छात्र, इसमें अगर आप इच्छुक हो इस अप्रेंटिसशिप को करने के लिए, तो 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी, तो आपके पास समय कम है, 10-12 दिन बचे हैं फॉर्म भरवाने के, तो भरवा लो, चाहे आप स्वयं भर सकते हो, नहीं तो जनसेवा केंद्र जो आपका होगा नज़दीक वहाँ से भरवा सकते हो, नहीं तो हमारी टीम से भरवा सकते हो। तो मिलिए, मैं चलता हूँ फिर अगली वीडियो में, और आज के लिए इतने दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को लास्ट में कमेंट कर सकते हो, अगर आपको कोई भी सवाल बनता है इस चीज़ को लेकर के तो लास्ट में कमेंट करना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में साथियों, आज के लिए।